दोस्तों आज हम बात करेंगे INS अरिघात के बारे में। यह भारत के अरिहंत क्लास का दूसरा सबमरीन है जिसको अरिदमन के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में लॉन्चिंग के समय इसका नाम बदलकर INS अरिघात कर दिया गया। यह भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण केंद्र पर परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में इसके पूर्ववर्ती INS अरिहंत की तुलना में मिसाइल की संख्या दोगुनी होगी, जिससे इसे और अधिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता मिल जाएगी। दोस्तों अब इसके स्पीड और हथियारों के बारे में जानते हैं। इस पनडुब्बी में एक 7 ब्लेड प्रोपेलर होगा जो दबावित जल रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। सतह पर यह 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है और जलमग्न होने पर 24 समुद्री मील यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकती है। पनडुब्बी के हम्प पर 8 लॉन्च ट्यूब होंगे। यह एक साथ 24 K-15 सागरिका मिसाइल ले जाने में सक्षम है या फिर 8 निर्माणाधीन K-4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है ले जाने में सक्षम है। INS अरिघात की वर्तमान स्थिति क्या है? INS अरिघात को 19 नवंबर को लॉन्च किया गया है और इसका सी और हार्बर ट्रायल 2 साल तक चलने की उम्मीद है जो कि 2019 तक चलेगी। इसके बाद यह दुश्मनों को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।